Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So in this video we are going to talk about the introduction of MSOE 2. आपका जो MSOE 2 subject है उसकी introduction में बहुत छोटी सी video, यहाँ पे हम छोटा सा subject clarity पे बात करने वाले हैं, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो फिर आगे बात करते हैं. Because exam अभी देखिए, ये तो आप लोगों का next जो exam है, परसों आप लोगों का जो एग्जाम है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे है. आप लोग कल ये वीडियो देखेंगे बिकॉज कल MSOE 1 का एग्जाम है. बाकी ये वीडियो तो बेनिफिशियल रहने वाली है फॉर द स्टूडेंट जो दिसंबर 23, जून 24, दिसंबर 24 में एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि सिलेबस में कोई चेंज नहीं आ रहा है, सिलेबस स्टैटिक है. तो ऐसा नहीं है कि ये चीज जो इस बार के लिए है वो अगली बार के लिए वैलिडेट नहीं करेगी या इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी. तो आपका जो सब्जेक्ट है वो है डायस्पोरा एंड ट्रांसनेशनल कम्युनिटी. तो व्हाट इज द वर्ड डायस्पोरा एंड ट्रांसनेशनल कम्युनिटी मीन? देखिए, इंडिया, वी आर द इंडियन सिटीजन. हर कंट्री में अपनी अपनी सिटीजनशिप होती है. कुछ कंट्री में सिंगल सिटीजनशिप है, कुछ कंट्री में डुअल सिटीजनशिप होती है. जैसे कि इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है. अगर आप इंडिया के सिटीजन हो तो आप किसी और कंट्री के सिटीजन नहीं हो सकते हो. अगर आपने किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले लेते हो तो आपकी इंडिया की सिटीजनशिप आपसे चली जाएगी. तो ये तो कंसेप्ट होता है सिटीजनशिप का. तो अभी हम क्या कैटेगराइज कराएंगे? इंडियंस. बट सम टाइम ड्यू टू वेरियस रीजन कुछ इंडियंस इंडिया से बाहर रह रहे हैं. ड्यू टू जॉब, मैरिज हो गई है तो शिफ्ट हो गए हैं. ठीक है, अब कुछ लोग जो है वो बाहर रह रहे हैं लेकिन अभी इंडिया के ही सिटीजन है, और कुछ लोग हैं जिन्होंने बाहर की ही सिटीजनशिप ले ली है. तो यहां पे कंसेप्ट आ जाता है आपका एनआरआई का, नॉन रेजिडेंट इंडियन का, या फिर आपका नॉन रेजिडेंट सिटीजन एनआरआई वगैरह का. ओसीआई का कॉन्सेप्ट आ जाता है, पीआईओस का कॉन्सेप्ट आ जाता है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन. जैसे कोई पर्सन है वो अभी बाहर के सिटीजन है लेकिन उनके फादर या उनके ग्रैंडफादर जो थे वो इंडिया के सिटीजन रहे थे, तो वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहलाते हैं. तो ऐसे सभी लोग, जो भी पर्सन, इंडिया की बात नहीं करते, ओवरऑल कंट्री की बात करनी है, अपनी ओरिजिन कंट्री को छोड़ के किसी और कंट्री में रह रहे हैं वो कहलाएंगे डायस्पोरा. लाइक इंडिया के बहुत से लोग बाहर की कंट्री में, अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग कंट्री में रह रहे हैं, तो वो सारे इंडिया के डायस्पोरा हो गए. हर कंट्री में, ये नहीं कि सिर्फ अमेरिका की बात करो या चाइना की बात करो, नहीं, इंडियंस बाहर जो भी, जिस भी रीजन से यू आर लिविंग आउटसाइड, तो आप सब क्या हो जाओगे? इंडिया के लिए डायस्पोरा हो जाओगे. प्लस ट्रांसनेशनल कम्युनिटी क्या होता है? दोस कम्युनिटी या दोस पर्सन या दोस पीपल जो अपनी प्लेस ऑफ बर्थ, अपनी ओरिजिन कंट्री से किसी और कंट्री में रह रहे हैं. आपका प्लेस ऑफ बर्थ कोई भी कंट्री है, आप वहां नहीं रह रहे हो, प्लेस ऑफ ओरिजिन से किसी अदर प्लेस पे रह रहे हो. क्लियर? तो वो हो जाती है ट्रांसनेशनल कम्युनिटी. तो आपके जो ये सब्जेक्ट है MSOE 2, डायस्पोरा एंड ट्रांसनेशनल कम्युनिटी, ये इसी बारे में बात करता है. इसमें देखो कुछ करंट अफेयर्स से रिलेटेड चीजों के रिगार्डिंग भी आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा. बिकॉज क्या है ना कि यहाँ पे आपको जैसे बताया गया है कि अफ्रीका में इंडियन डायस्पोरा को एक्सप्लेन कीजिए, कैरिबियन नेशन में इंडियन डायस्पोरा को एक्सप्लेन कीजिए, न्यू वर्ल्ड नॉर्थ अमेरिका में इंडियन डायस्पोरा के बारे में बताइए. तो वी नीड टू लर्न द डेटा, फैक्ट्स एंड फिगर. देखो, पहले से याद भी कर लेते तो भी एग्जाम में ज्यादा बेनिफिट नहीं होता है. कुछ रटने वाली चीजें तो हमें एक दिन पहले ही क्रैम करनी होती है. कंसेप्ट समझ में आना जरूरी होता है बट याद करने वाली चीजें हम एक दो दिन पहले ही याद करते हैं. एंड सिंस यू हैव चूजन दिस सब्जेक्ट, आपने इस वैसे तो मैं बोलती हूँ एमपीएस 3 या एमपीएस 16 ले लो, मत लो ये सब्जेक्ट. अगर किसी को आईआर में आगे फ्यूचर बनाना है, इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय आपका संबंध में, तो वो आगे पढ़े, थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलेगा. अदरवाइज बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली बेनिफिट नहीं है. तो क्यों इतना डेटा फैक्ट फिगर याद करने में दिमाग लगाना है? क्योंकि कंसेप्ट लिमिटेड है लेकिन डेटा फैक्ट फिगर बहुत ज्यादा है. यहाँ पे कंसेप्ट क्या है, मैं समझा दूंगी. इतने पर्सन रह रहे हैं, इस पॉपुलेशन के लोग रहते हैं, इसके हम पर्टिकुलर एक्टिविटी में एंगेज है, दिस एंड दैट. तो ये तो फैक्ट्स ही हो गए ना अल्टीमेटली. कंसेप्ट समझाने में तो लिमिटेड है. मतलब यहाँ पे स्टूडेंट सेंट्रिक रोल कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा हो जाता है क्योंकि क्रैमिंग है थोड़ी सी, नो डाउट क्रैमिंग है. तो यहाँ पे अब आपने ले लिया है तो वी डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन बट यार लास्ट मोमेंट पे ही, जिनका अभी एग्जाम है. बाकी जब भी कोई बच्चा ये बात के एग्जाम के लिए देख रहा है, आप कितने दिन पहले देख रहे हो, तो दैट इज अप टू यू. बट या दिस इज लाइक दैट. तो यहाँ पे आपके टोटल जो है हमारे पास, आई थिंक तो वी हैव ओनली वन बुक ऑफ दिस एंड वी हैव टोटल इन टोटल 13 यूनिट. और अच्छी खासी मोटी बुक है इसकी, इग्नू की. अगर आप देखेंगे, बुक नहीं है तो पीडीएफ होगी, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए. हिंदी मीडियम वाले हिंदी मीडियम की करेंगे, बुक है तो वेल एंड गुड है. तो पहले तो डायस्पोरा को समझाया गया है यूनिट 1, 2 एंड 3 में. ब्लॉक 2 जो है जर्नी ऑफ द इंडियन डायस्पोरा, मतलब कैसे माइग्रेशन स्टार्ट हुआ, कैसे लोगों ने बाहर सेटल करना स्टार्ट किया, कोलोनियल रूल जब ब्रिटिशर हम पे रूल कर रहे थे तब आपका इमिग्रेशन कैसे हो रहा था, फिर जब वो लोग चले गए तो पोस्ट इंडिपेंडेंस में माइग्रेशन का क्या प्रोसेस रहा, ग्लोबलाइजेशन से किस तरीके से ये माइग्रेशन और डायस्पोरा फिगर्स पे इंपैक्ट पड़ा. फिर स्टार्ट हो जाता है प्रोफाइल. प्रोफाइल मतलब डेटा फैक्ट फिगर, जो कि ब्लॉक 3 है. इंडियन इन द कैरेबियन, इंडियन इन अफ्रीका, इंडियन इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, इंडियन
diaspora in Europe, Indian diaspora in the North America, Indians in Australia, New Zealand and Fiji and Indian diaspora in West Asia. मतलब ये यूनिट 7 से लेके 13 तक कंपैरेटिव, मतलब जितना भी ये पूरा 7 से 13 तक वाला पार्ट है, दिस इज टोटली इंडियन डायस्पोरा की प्रोफाइल फैक्चुअल चीजें हैं जो हमें कवर करनी है. क्लियर? तो शॉर्ट शॉर्ट वीडियो के थ्रू साथ साथ बोल बोल के आई ट्राई कि मैं बोल बोल के आपको चीजें समझाऊं और वीडियो सुनते सुनते ही आपको डेटा लर्न हो जाए. ठीक है, आई ट्राई. जस्ट छोटे पे बोल बोल के याद कराती है ना, दैट नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग. रिपीट करूं, नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग. इसे बोल बोल के चीजें याद कराई जाती है, तो वील ट्राई हम इसको इसी तरीके से बोल बोल के लर्न करके चले, सो दैट आपको भी थोड़ा सा आसानी रहे. बिकॉज अल्टीमेटली खुद से पढ़ने के लिए कहा जाएगा तो डर लगेगा. आई नो बुक का साइज देख के डर लगेगा, चैप्टर्स देख के डर लगेगा, डेटा फैक्ट्स फिगर देख के डर लगेगा, बिल्कुल लग सकता है. एंड वाजिब है डर लगना, मतलब जो कंटेंट है उसको देख के डर लगना बिल्कुल लग सकता है. तो ठीक है, कुछ कुछ चीजें मैं आपको बता के चलूंगी किस किस तरीके से हम कर सकते हैं, क्या टॉपिक रहेगा हमारा स्टडी करने का, किस तरीके से हम इसको स्टडी करेंगे और ये चीज हम रखेंगे. क्लियर? कोई डाउट है तो बता सकते हैं. डाउट अभी पढ़ा ही नहीं है तो डाउट तो होगा ही होगा अपनी तरफ से, सब्जेक्ट भी ऐसा ही है थोड़ा सा. तो वील कवर दिस, कल का पेपर आप लोग दीजिए, धीरे धीरे हम इस कंटेंट को कवर करेंगे. मैं भी आज कल में आपके, आप जब तक एग्जाम देके वापस आओगे, मैं काफी हद तक आई ट्राई कि मैं कंटेंट अपलोड कर दूं, सो दैट आप एग्जाम देके आओ वैसे ही आप लोग थोड़ा सा रेस्ट लेके फटाफट से दोबारा इसकी तैयारी पे लग जाओ. तो अभी आप लोगों को ये MSOE 2 की वीडियो नहीं देखनी है, फोकस ऑन MSOE 1. बाकी कल के बाद आप लोग जैसे एग्जाम देके आओ वैसे आप लोग ये देखना स्टार्ट कर दोगे, यूनिट बाय यूनिट, टॉपिक बाय टॉपिक, और थोड़ा स्मार्ट स्टडी करेंगे. गधों वाला काम करने से हमेशा आगे निकल जाओगे, अच्छे नंबर ले लोगे, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड. 10 क्वेश्चन आते हैं, 5 करने होते हैं, राइट? तो पहले जेनरिक टॉपिक कर लो ना यार, जिसमें ज्यादा डेटा फैक्ट्स फिगर नहीं है, फिर डेटा फैक्ट्स फिगर वाली चीजें भी लर्न कर लेना, सो दैट अटेम्प्ट करनी पड़े तो उसमें से भी कर लें. ओके? तो हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क लीड्स टू सक्सेस, दैट वी आर गोइंग टू डू. सो इफ यू हैव एनी, जो भी डाउट आएगा पोस्ट करते रहिएगा, आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट. दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू.